Assalamu alaikum viewers, welcome back to my channel. I am glad that you tune in with me, and today we are going to cover our next lecture, which is based on Allama Iqbal Open University Compulsory English 2. Iska code hai 1424, aur as you know hum log unit 2 kar rahe hain. Unit 2 mein hum kya seekh rahe hain? Hum sequence seekh rahe hain. How to present an event in a sequence, means sequence mein kis tarah cheezon ko बयान किया जाता है. सो टुडे वी आर गोइंग टू कवर एक्सरसाइज नंबर 8. ओके, इन एक्सरसाइज नंबर 8 वो हमें क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं व्हाट इज साराज रूटीन. अच्छा, वो रूटीन की बात करें, कह रहे सारा की रूटीन क्या. रीड द अबव डिस्क्रिप्शन, ऊपर इन्होंने एक डिस्क्रिप्शन दी हुई है, उसको कह रहे हैं हमने पढ़ना है. और उसको पढ़ने के बाद हमने क्या देखना है, कह रहे हैं कि अ डे इन द लाइफ ऑफ अ नर्स, राइट. नर्स की जिंदगी में जो एक उसकी लाइफ में एक दिन है वो कैसा होता है और क्या होता है वो हमने देखना. एंड देन राइट द इवेंट दैट टेक प्लेस इन अ प्रॉपर सीक्वेंस. अच्छा जी, मेन काम क्या हमने पहले पढ़ना है. पढ़ने के बाद वो कह रहा है राइट द इवेंट इन द राइट द इवेंट्स दैट टेक प्लेस इन अ प्रॉपर सीक्वेंस. और हमने उन्हें क्या लिखना है, जो जो हमारे काम हो गए हुए हैं, जो इवेंट्स उसने किए हैं या जो उसकी एक वो काम था, उसको हमने क्या करना है, उसको हमने देखना है कि किस तरह से हम लोग उसे प्रॉपरली कर सकते हैं, उसे किस तरह लिखना है, सीक्वेंस में लिखना है, राइट. अब वो कह रहे हैं फॉलो द एग्जांपल. यहाँ एग्जांपल दी गई है तो हम देखते हैं जी एग्जांपल क्या दी गई है. एग्जांपल हमें दी है, कह रहे हैं कि सारा अराइव्ड एट द नर्स रूम एट 7 AM. सारा जो है वो पहुंचती है कहाँ पे, नर्स रूम में, कितने बजे, 7 बजे. ओके, तो अब सेकंड क्या किया, फिर उसने थर्ड पे उसने क्या काम किया और फोर्थ पे क्या किया उसने, जैसे जैसे काम किया उन्हें हमने यहाँ लिखना है. और ये लिखने के लिए वो कहते हैं फिर इसने आपने कंटिन्यूटली जितना ऊपर पैराग्राफ दिया उसमें वन बाय वन जो जो उसने काम किया वो आपने डिफाइन और डिस्क्राइब करनी है, राइट. अब ये सारा एक्सरसाइज करने के लिए हमें डेफिनेटली ऊपर जाना पड़ेगा. ऊपर जाके हम देखते हैं कि हमें जो है कौन से वाला जो है उन्होंने सीक्वेंस जो है वो पैराग्राफ या जो भी हमें डिस्क्रिप्शन दी हुई है सारा के बारे में वो क्या है. सो हियर इज द डिस्क्रिप्शन. वो हमें यहाँ पे कह रहे हैं कि आडे इन द लाइफ ऑफ अ नर्स, नर्स की जिंदगी का एक दिन. लेट्स स्टार्ट इट. यू वांट टू नो व्हाट नर्स इज रियली लाइक. वो कह रहे हैं आप जानते हैं कि नर्स बेसिकली होती क्या है. परहैप्स यू आर इंटरेस्टेड इन डिस्कवरिंग व्हाट अ टिपिकल डे इन द लाइफ ऑफ अ नर्स इन्वॉल्व्स. वो कह रहे हैं कि आप जानना चाहते हैं या आप दिलचस्पी रखते हैं कि आप जान सके. डिस्कवरिंग होता है जानना. कह रहे हैं व्हाट अ टिपिकल डे इन द लाइफ ऑफ अ नर्स, नर्स की जिंदगी में एक दिन बेसिकली होता किस तरह का है. आर इन लर्निंग, या आप सीखना चाहते हैं अबाउट द रियलिटीज ऑफ नर्स, या आप क्या कर चाह रहे हैं, आप रियलिटीज ऑफ नर्सिंग, नर्सिंग की जो रियलिटी है आप जो है उसको चाह रहे हैं, राइट. तो वो हम लोग देख लेंगे यहाँ पे कि वो क्या क्या है, वो हम इसके बारे में जान लेंगे. फिर कहते हैं फ्रॉम द एक्सपीरियंस्ड नर्स. अच्छा, फिर वो यहाँ पे क्या है, फ्रॉम एन एक्सपीरियंस्ड नर्स, एक ऐसी नर्स जो कि ऑलरेडी एक्सपीरियंस्ड है उसके बारे में, ठीक है. तो सेकेंड पॉइंट ये हमें यहाँ पर ये बता रहे हैं. ओके, वो कहते हैं जी इन नर्सिंग कैरियर इज नॉट वेरी इज नॉट फॉर एवरीबॉडी. नर्सिंग जो है वो हर एक के लिए नहीं है, क्योंकि अब नर्सिंग का प्रोफेशन हर एक के लिए नहीं है. बिसाइड बीइंग कंफर्टेबल विद एनाटॉमी, ठीक है जी. वो कह रहे हैं बिसाइड इसके अलावा कि कंफर्टेबल है इस प्रोफेशन के साथ, उनके अलावा ह्यूमन बॉडी, इंसान का जिस्म, एंड मेडिकल प्रोसीजर्स, और जो मेडिकल या तिब्बी एक प्रोसीजर होता है उसको, सच एज गिविंग इंजेक्शन, जैसे कि इंजेक्शन देना, एंड एडमिनिस्ट्रिंग मेडिकेशन, और जो मेडिकेशन है उनको देखना या उनको देना. एस्पायरिंग नर्स मस्ट एग्जिबिट सर्टन क्वालिटीज एंड कैरेक्टरिस्टिक. वो कह रही है एक जो एस्पायरिंग जो है होती है ना नर्स होती है उसमें बहुत सारी जो होती है क्वालिटीज और उसकी खसूसियात होती हैं. वो कहते हैं नर्सिंग कैरियर नीड्स अ ग्रेट अबिलिटी टू वर्क अंडर प्रेशर एंड इट स्ट्रेसफुल सिचुएशन. फिर वो कहते हैं नर्सिंग का जो कैरियर होता है ना उसमें एक अबिलिटी की जरूरत होती है कि वो एक अंडर प्रेशर, यानी कि प्रेशर में वो कोई काम
कर सकती हो, ठीक है। एंड क्या है, स्ट्रेसफुल एटमोसफेयर। दूसरा उन्होंने क्या क्या है कि स्ट्रेसफुल एटमोसफेयर में वो काम कर सकते हो। कहते हैं गुड ऑर्गेनाइजेशनल स्किल एंड द एबिलिटी टू वर्क वेल विद पीपल। वो कहते हैं लोगों मसलन उसकी जो है ना एक उसमें महारत होनी चाहिए कि वो एक ऑर्गेनाइजेशन में कैसे काम कर सकती है, एंड एबिलिटी टू वर्क विद द पीपल, और वो लोगों के साथ एज अ ग्रुप वर्क या एज अ टीम वर्क कैसे चल सकती है। इंक्लूडिंग डॉक्टर्स, उसमें डॉक्टर्स भी हैं, एंड पेशेंट्स, एंड पेशेंट्स आर एसेंशियल। डॉक्टर और पेशेंट उसमें खास तौर पर शामिल है। दोस हु आर इंटरेस्टेड इन अडॉप्टिंग नर्सिंग एज अ कैरियर शुड फर्स्ट ऑफ ऑल, कहते हैं दोस्त जो जो लोग नर्सिंग को एज अ प्रोफेशन अडॉप्ट करना चाहते हैं उनके बारे में वो कह रहे हैं कि जी क्या है यहाँ पे, वो कह रहे हैं थोड़ा ऊपर जाना पड़ेगा कि नीड टू अंडरस्टैंड, उनको समझने की जरूरत है दैट नर्सिंग इज हार्ड वर्क। क्या है जी ये, क्या है ये, एक टफ जॉब है, मुश्किल काम है। नर्सेस ऑफन हैव टू वर्क लॉन्ग शिफ्ट्स, इनको लंबे टाइम के लिए काम करना पड़ता है। किसमें जी, लॉन्ग शिफ्ट, लंबे टाइम के लिए। एंड अ लॉट ऑफ द वर्क इज फिजिकल, उनका ज्यादा काम जिस्मानी होता है। इट इज डिफिकल्ट टू रियली फाइंड आउट एक्सैक्टली व्हाट अ टिपिकल डे इन द लाइफ ऑफ अ नर्स इन्वॉल्व्स। तो कहते हैं ये बहुत ही मुश्किल है कि आप जान सकें कि एक नर्स की जिंदगी का बेसिकली एक दिन, टिपिकल दिन होता कैसा है। Some way that nurses do a million different things in a million different places. वो कहते हैं नर्स जो होती है वो millions जो है different मुख्तलिफ किस्म के काम करती है और मुख्तलिफ places पे करती है। That is the reason nursing is considered as a noble career. वो कहते हैं that's why nursing का जो profession है वो क्या समझा जाता है, एक noble career समझा जाता है। Noble career mean उसको एक इज्जत वाला जो career है वो समझा जाता है। So, यहां से वो स्टार्ट करें बेसिकली, यहां से वो जो अ डे ऑफ अ नर्स जो है वो यहां से स्टार्ट हो रहा है। लेट्स कंसीडर अ डे इन द लाइफ ऑफ एन इमरजेंसी नर्स नेम सारा। ओके, यहां से जो है ना वो उसका जो है जो हमें एक्सरसाइज सॉल्व करनी वो यहाँ से स्टार्ट होगी। सारा नर्स है जो कि इमरजेंसी में काम करी, कहते उसके दिन को हम देखते हैं। सारा अराइव्स एट द नर्स रूम एट 7 AM। सारा रूम में पहुंचती है कितने बजे जी, 7 AM, ठीक है जी। ये फर्स्ट नीचे आपको दिया हुआ है ना, सो अब इसके बाद से आपने इस पैराग्राफ को अच्छी तरह देखना है और फिर इसके बाद हम सीक्वेंस निकालेंगे। शी गेट्स हरसेल्फ रेडी फॉर द डे, वो खुद को अपने दिन के लिए तैयार करती है। एंड रिपोर्ट टू हर पर्टिकुलर स्टाफ नर्स, वो अपने पर्टिकुलर स्टाफ नर्स को रिपोर्ट करती है कि मैं आ गई हूँ, और द डॉक्टर या डॉक्टर को बिफोर बिगनिंग हर स्टाफ, ठीक है शिफ्ट। वो अपनी शिफ्ट को शुरू करने से पहले अपने नर्स स्टाफ जो होती है या अपना डॉक्टर होता है उसे क्या करती है, रिपोर्ट करती है कि आई एम ऑन द ड्यूटी एट दिस पॉइंट। इस मुकाम पर सारा रिसीव्स रेलेवेंट अपडेट्स एंड इंस्ट्रक्शंस रिगार्डिंग पेशेंट्स एंड इज ब्रीफ्ड ऑन सर्टन इश्यूज एट हैंड। अच्छा, यहाँ पे सबसे पहले वो क्या काम करती है, ये उसका फर्स्ट काम कि क्या क्या लेती है, वो क्या कहती है, रेलेवेंट अपडेट्स लेती है, ठीक हो गया, रेलिवेंट अपडेट्स वो लेती है यहाँ से। फिर वो कहते हैं एंड द इंस्ट्रक्शंस, और उसके बारे में इंस्ट्रक्शंस लेती है कि यानी कि कौन सी मालूमात जो है वो उसने ले ली है। देन रिगार्डिंग द पेशेंट, मरीजों के बारे में, एंड इट एंड इज ब्रीफ्ड ऑन करंट इश्यूज, और जो मौजूदा इश्यूज होते हैं उस पर वो एट हैंड उसी टाइम पर वो इंफॉर्मेशन जो है लेती है। शी देन रिसीव्स द मेडिकल रिकॉर्ड्स ऑफ द नेक्स्ट अवेलेबल पेशेंट who has come into the emergency care and this will be her first patient. She then फिर क्या कहती है, उसके बाद वो medical records लेती है of the next available patient, जो अब सबसे पहला patient emergency में आया होगा उसका वो क्या लेती है, वो record लेती है उनसे, ठीक है जी। record लेने के बाद वो कहती है कि, वो कहते हैं कि ये इसका कौन सा patient है, हर first patient, और ये इसका जो है वो first patient होगा। next वो कहते हैं सारा And then visits her first patient. सारा अपने पहले मरीज को विजिट करती है, asks about the patient's medical history. तो वो क्या लेती है, patient's की medical history लेती है। Then right after that, after verifying that medication the patient is taking, फिर वो जानती है कि patient पहले से कौन सी medicines ले रहा है।
ये कह रहे हैं ना वेरीफाइंग व्हाट मेडिकेशन द पेशेंट इज टेकिंग, वो इस पर कौन सी मेडिकेशन ऑलरेडी ले रहा है. शी रिकॉर्ड्स, वो इसको रिकॉर्ड करती है, मीन उसे नोट करती है किसी चीज पे. फिर वो कहते हैं हर ऑब्जर्वेशन एंड गेट्स रेडी फॉर पेशेंट नंबर टू, वो अपने इस ऑब्जर्वेशन को कंप्लीट करती है और अपने अगले पेशेंट के लिए तैयार हो जाती है. टुडे शी हैज टू सी अ बॉय हु हैज बर्न्ड हिज हैंड, आज उसे एक शख्स एक लड़के को देखना है जिसके हाथ के हैं बर्न. सो हम कह सकते हैं कि बॉय, उसका नेक्स्ट पेशेंट बॉय है, वो उसके हैंड क्या है जी, बर्न्ड है. ठीक है जी. देन वो कहते हैं द बॉय इज विद हिज मदर एंड सारा आस्क्ड क्वेश्चन टू बोथ ऑफ देम, उसके साथ उसकी माँ है, सो सारा उसकी माँ से उस लड़के से दोनों से क्वेश्चन करती है. शी एग्जामिन्स, वो उसको देखती है द वर्न्ड, उसके जख्म को, विच इज नॉट सीरियस, जो कि ज्यादा सीरियस नहीं है. ड्रेसेस इट, इसको उसकी पट्टी करती है एंड गिव द मदर एंड सन रिटन एंड वर्बल इंस्ट्रक्शन फॉर केयर एंड फॉलो. और वो क्या करती है उस लड़के को और उसकी मदर को क्या कहती है, रिटर्न, यानी कि लिख के भी देती है और उसे जबानी भी बताती है कि उसे इसकी किस तरह केयर करनी है और इसका फॉलो अप किस तरह करना, मीन दोबारा का बहाना विजिट के लिए. सारास नेक्स्ट पेशेंट इज अ वुमेन, उसका नेक्स्ट पेशेंट क्या है जी, एक क्या है, खातून है. ठीक है जी. वो फिर वो कह रही है जी कि हु इज सफरिंग फ्रॉम सेवरल ब्लड सीवियर ब्लड प्रेशर, जो कि शदीद ब्लड प्रेशर की मरीज है. सारा टेक्स द वुमेन्स मेडिकल हिस्ट्री, वो उसकी मेडिकल हिस्ट्री लेती है इंक्लूडिंग मेडिकेशंस और उसकी मेडिकेशंस भी, मतलब कौन सी वो दवाइयां ले रही. टेक्स द वुमेन्स ब्लड प्रेशर एंड टेम्परेचर एंड रिकॉर्ड ऑल डिटेल्स फॉर द डॉक्टर टू सी. फिर वो क्या करती है, उसका ब्लड प्रेशर, उसका टेम्परेचर जो है वो रिकॉर्ड करती है और इसके अलावा तमाम डिटेल्स, कौन सी मेडिकेशन ले रही है, कब से ले रही है, ये सारी चीजें वो रिकॉर्ड करती है ताकि डॉक्टर उसे देख सके. सो इट्स टाइम फॉर लंच. सो अब नेक्स्ट उसने दो पेशेंट देख लिए, दो पेशेंट देखने के बाद वो क्या कह रही है, इट्स टाइम फॉर लंच का टाइम हो गया. ठीक है जी. देन सॉरी यहाँ इसे मैं हाईलाइट नहीं हो रहा था, ये लंच हो गया हमारे पास. देन क्या कह रहा है, राउंड द वार्ड अगेन, फिर वो वार्ड का दोबारा राउंड करती है. सारा डे इन्वॉल्व्स अ कंटिन्यू इन्फ्लक्स ऑफ पेशेंट, सारा के पास दिन में बहुत ज्यादा पेशेंट्स आते हैं दैट शी सीज, जिनको वो देखती है. एग्जाम्स एक्सेसिस, एग्जामन होता है उसका मुआयना करना, एक्सेसिस होता है तशखीस करना, एंड देन सेंड द रिपोर्ट टू द डॉक्टर, डॉक्टर्स को वो रिपोर्ट सेंड कर देती है बाय द एंड ऑफ द 10 आवर्स, क्योंकि उसकी ड्यूटी कितनी है, घंटे की है जी, 10 आवर्स की ड्यूटी है उसकी. ओके ये सिलेक्ट हो गया अगेन, वो हो गया इसे तो हम सिलेक्ट कर लें, बिकॉज व्यूअर्स आपने भी इनको ना अंडरलाइन करते जाना जब आप रीडिंग कर रहे होंगे ताकि ये आपके लिए हेल्पफुल होगा. सारा हैज बीन ऑलमोस्ट 20 पेशेंट, सारा ने कितने पेशेंट्स देखे हैं, उसने 20 पेशेंट्स देखे. ठीक है, जैसे मैंने इन सबको अंडरलाइन किया ना, आपने भी जब अपनी बुक पढ़नी उस पर अंडरलाइन करना है, क्योंकि अंडरलाइन करने के बाद आपको हेल्प मिलेगी, यहाँ आपको ये एक्सरसाइज हल करने. ओके, सारा कितने बजे आई जी, सारा आई 7 बजे. सारा ने उसके बाद क्या काम किया, सारा ने उसके बाद क्या किया, रिपोर्ट किया अपनी हेड नर्स को या अपने डॉक्टर को. सो उसने क्या किया, पहले वो आई, फिर आने के बाद उसने रिपोर्ट किया. देन थर्ड उसने काम क्या किया था, थर्ड पे उसने क्या किया था, वो जो पहले से वहां पेशेंट मौजूद थे जिनका ऑलरेडी ट्रीटमेंट चल रहा था, उसका उसने ब्रीफिंग ली. ठीक है, हैंड नोट्स लिए वहां पे. देन उसके बाद उसने अपना फर्स्ट पेशेंट देखा, तो फर्स्ट पेशेंट उसका कौन सा था, वो लड़का था जो कि उसी टाइम आया था और उसके हाथ जो थे जले हुए थे. देन उसने उसे क्या किया, उसको डील करने के बाद नेक्स्ट उसका पेशेंट क्या था, उसका पेशेंट था वुमेन थी, वो औरत थी जिसका ब्लड प्रेशर हाई था. उसने उसकी मेडिकेशन ली, उसकी हिस्ट्री ली और रिकॉर्ड तैयार करके किसके पास भेज दिया, डॉक्टर के पास भेजा. ओके, ये देखिए इसके बाद आगे लिखा हुआ है कंटिन्यू, मीन वो कह रहे हैं कि आपने सिर्फ ये 3 ही नहीं देनी, आपने और भी देनी. तो इसके लिए हम ऊपर चलते हैं और हम इसे देखते हैं कि ऊपर हमें वो मजीद हमने क्या क्या देखा था. ठीक हो गया जी, इसे थोड़ा नीचे लेके आते हैं. इसमें यहाँ तक दे लिया था, औरत को देखा था, फिर उसका जी जी लंच टाइम हो गया था. ठीक है जी, सारा ने क्या किया था, लंच किया. ठीक है जी,
लंच किया, फिर उसके बाद सारा ने क्या किया, उसने आज बहुत सारे पेशेंट देखे, और वे उसके बाद उसने आज कितने पेशेंट देखे, 20 पेशेंट देखे। सो ये जो है आज आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है, आपको कुछ थोड़ा आइडिया हो गया होगा किस तरह आपने अपनी एक्सरसाइज को कंप्लीट करना है। आज हमने एक्सरसाइज नंबर 8 कंप्लीट किया, इंशाल्लाह कल हम एक्सरसाइज नंबर 9 करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद मी। लेक्चर अच्छा लग रहा है, प्लीज सब्सक्राइब द चैनल, हिट द बेल आइकॉन, ताकि आने वाला हर लेक्चर आपको टाइम पे मिलता रहे, और प्लीज शेयर कीजिए दूसरे स्टूडेंट के साथ ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज फॉर नाउ।